हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए माइलेज वीडियो। ये हमारे किया सेल्टोस पेट्रोल वेरिएंट HTX। आइए इसका माइलेज टेस्ट करेंगे, इसे चलाएंगे पूरी सिटी के अंदर। हम हैं नोएडा के अंदर आज, तो यहाँ पे आज पूरे दिन शहर में इस गाड़ी को चलाएंगे और शाम को इसका माइलेज टेस्ट करके आपको बताएंगे कि हमारी गाड़ी ने कितना इसका माइलेज दिया। दोस्तों, अपनी किया सेल्टोस को लेकर आ गए पेट्रोल पम्प पे। अभी गाड़ी में 390 किलोमीटर की रेंज है और यहाँ पे हम अपनी गाड़ी का पेट्रोल का टैंक फुल कराएंगे। ये बढ़िया पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, तो यहाँ करा के आपको भी दिखाते हैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल होके कितनी हमारी रेंज वगैरह आती है। यहाँ पे हमारी गाड़ी का टैंक फुल हो चुका है। तो दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी में टैंक फुल करा लिया है। ये देख लो, हमने फुल सारी ट्रिप वगैरह अपनी जीरो कर दी हैं। और दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोको, इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल। ये काफ़ी अच्छा और प्योर देते हैं, चोरी वगैरह नहीं होती पेट्रोल में, तो काफ़ी सेफ रहता है। और अब अपना हम यहाँ से गाड़ी को चलाएंगे और आज पूरे दिन दिखाते हैं आपको ट्रिप वगैरह सारी, कैसी गाड़ी हमारी सिटी के अंदर चलेगी। तो बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, एक बार आप हमारी गाड़ी का इंटीरियर चेक कर लीजिए। अभी हमने गाड़ी 4 किलोमीटर चलाई है, 8 कैरेज हमें दिखा रही है। यहाँ पे देख लीजिए हमारी गाड़ी की स्क्रीन, कनेक्टेड स्क्रीन है पूरी, जो काफ़ी सुंदर लगती है। और यहाँ पे हमारे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC आ जाता है, ये देख लो ऐसे इस तरफ से। और ये हमारा ग्लो बॉक्स, और काफ़ी अच्छी स्पेशियस कार है दोस्तों। मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दें, हमारे क्रूज कंट्रोल वगैरह यहाँ पे सब चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल आ जाएंगे, 6 स्पीड इसमें पेट्रोल ट्रांसमिशन आ जाएगा। यहाँ पे रिवर्स कैमरा देखना आप, यहाँ पे देख लो एक बार हमारा रिवर्स कैमरा। इसमें हमारे फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आते हैं, देखो यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर हमें रियर व्यू कैमरा ऑन करना है तो उसे हम देखो इस तरीके से ऑन कर सकते हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पे दोस्त हमारा ऑटो ऑन ऑफ का बटन भी आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आ जाएगा। तो आइए हम आगे अपनी गाड़ी को और चलाते हैं, दिखाते हैं आपको आगे। तो दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी 14 किलोमीटर चलाई है। अभी 11 का एवरेज अभी हमें शो कर दिया, 11.3 का। तो देखो कैसा रहता है हमारा सफ़र। आगे विजिबिलिटी बोनिटी काफ़ी अच्छी है, हम गाड़ी चलाते हैं। और दोस्तों, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ, क्योंकि जैसे अभी मेरी ये गाड़ी का होंडा सिटी का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वीडियो भी आ जाएगी यूट्यूब चैनल पे। तो सीट बेल्ट लगा रखी थी तो हम सारे सेफ थे, तो इसलिए दोस्तों सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, आप भी ज़रूर लगाएं। तो बढ़िया, वैसे गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही है हमारी, और क्योंकि पेट्रोल है तो पिकअप वगैरह काफ़ी अच्छा है शहर के हिसाब से, तो काफ़ी अच्छा, कोई लैग वगैरह कोई महसूस नहीं हो रहा। और स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा लाइट है, या हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही कट वगैरह करने में, गाड़ी को कहीं भी उन्हें काटते हैं तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी देखते हैं और कितनी चलेगी, अभी 4 बजे, 1-2 घंटे तक भी हम चलाएंगे ऐसे गाड़ी को सिटी के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक हमने अपनी गाड़ी 31 किलोमीटर चला ली है, और जो हमें एवरेज शो करिए वो करिए 10.6 का, ये देख लो आप। तो अभी तो देखो, पहले तो 11 का कर रही थी बीच में, तो 11-12, पर ये लोकल में भी हमें 10 का ही एवरेज हमें शो कर रही है। पता हमें फाइनली चलेगा एंड में कि हमारी गाड़ी कितने का एवरेज शो करती है। हम खड़े होकर इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अच्छे से आप एक बार आप चेकआउट कर पाए यहाँ पे सारी चीज़ें। और जो हमारी रेंज आ रही है वो 715 किलोमीटर की आ रही है, तो रेंज तो काफ़ी अच्छी है कि आप टैंक फुल करा के काफ़ी अच्छे और काफ़ी दूर तक की अपने किलोमीटर हम कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम कितनी देर और चलाएँगे, 5 बज चुके हैं, तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी 61 किलोमीटर चला ली है, और ये जो हमें एवरेज शो कर रही है 10.4 का, और जो हमारी रेंज आ रही है वो आ रही है 682 की, ये देख लो आप। अब जाएंगे इस गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं, देखते हैं और थोड़ी बहुत चला लेंगे इसे, 10-15 किलोमीटर चला के तब इसका टैंक फुल कराते हैं। जो हमें अभी अंदाज़ा लग पा रहा है वो 10 का एवरेज का लग पा रहा है,
बाकी तो टैंक फुल होने के बाद ही पता चलेगा कि गाड़ी ने कितने का एवरेज दिया। अगर बने रही हमारी वीडियो में आगे देखना कि गाड़ी का पेट्रोल का कितना एवरेज आता किया सेल्टोस का सिटी के अंदर। दोस्तों हमने अपनी गाड़ी 77 किलोमीटर चला ली है, ये देख लो हम आगे पेट्रोल पंप पर गाड़ी का टैंक फुल कराने के लिए। अब देखते हैं गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल आएगा और अब फाइनली पता चल जाएगा हमारी किया सेल्टोस पेट्रोल कितना हमारा माइलेज देती है। हमने यहाँ लगा दी अपनी गाड़ी, तभी दिखाते हैं आपको गाड़ी का माइलेज। दोस्तों अपन हम माइलेज कैलकुलेट करते हैं। अभी आपने देखा हमारी गाड़ी के अंदर 8.3 लीटर पेट्रोल आया है, गाड़ी चली 77.8, इसको डिवाइड करते हैं 8.3 से। दोस्तों गाड़ी ने हमारा 9.5 का एवरेज दिया, 9.3 का दे देख लो। दोस्तों आपको समझ आ गया होगा हमारी किया सेल्टोस पेट्रोल शहर के अंदर कितना हमारा माइलेज देती है। दोस्तों यही थी हमारी किया सेल्टोस की माइलेज वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।